Now we have another very simple sum of this exercise, question number 16, miscellaneous exercise chapter 9. The general solution of the differential equation. कितना easy sum है, आपको यहाँ पर easily ये दिखाई दे रहा है. अगर मैं इस तरह से इसको लिख दूँ, देखिए सर, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? Y upon y dx minus x upon y dx equal to 0. ठीक है सर, इससे कैंसिल हो गया भाइयों. तो आपके पास क्या ऑप्शन है? यहाँ dx है, dx को आप उस साइड लेके जाइए, माइनस एक्स अपॉन वाई डी एक्स, यहाँ पर डी वाई है, और इक्वल टू डी एक्स को आप उधर लेके जाइए, माइनस डी एक्स. आप ले गए, ठीक है ब्रदर. मैंने आपको क्या समझाया था? माइनस से पहले माइनस कैंसिल कर लीजिए. सेपरेटिंग द वेरिएबल, तो ये जो एक्स है ये यहाँ नहीं इधर आ जाएगा. इंटीग्रल बोथ साइड, दोनों साइड को आप इंटीग्रेट करेंगे, तो आपके पास क्या आ गया है? लोग वाई इक्वल टू लोग एक्स प्लस लोग सी, ये ऑप्शन आ गया. तो आपके पास हो गया सर log y इक्वल टू log एक्स सी, ये क्लियर है ना? ये कैसे आया एक्स सी या सी एक्स? लोग कैंसिल कर लीजिए, y इक्वल टू सी एक्स. दिस वन इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. आई होप आपको ये इजी सम काफी इजी से समझ में आ गया होगा. बहुत ही हल्का और आसान सम था. कभी कभी लाइफ में इतने इजी सम आते रहने चाहिए. आप प्लीज ये वीडियो देखिए अगर आपको समझ में आया, और हमारी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. हम डेली 5 से ज्यादा वीडियो अपलोड करते हैं. हमारे साथ बने रहिए. थैंक यू वेरी मच.